नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस के माध्यम से लोन लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसे हरास हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उसके बाद में जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 8 जनवरी 2020 में हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से एक मुहिम चलाई गई जिसके माध्यम से हमने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया और ये जो डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस हैं इनको प्रॉपर तरीके से एक्सपोज किया। जब हमारे द्वारा ये मुहिम शुरू की गई उसके बाद में बहुत सारे लोग आए और बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई, निरंतर इन लोन एप्लीकेशंस को वो एक्सपोज करते रहे। फिर एक मीडिया चैनल ने प्रॉपर तरीके से एक एपिसोड रिलीज किया। जब उस मीडिया चैनल ने एक एपिसोड रिलीज किया तो जून 2020 में एक RBI के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि बताया गया इन डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशन के लिए कि इन्हें क्या क्या करना चाहिए। बट उसके बाद में इन डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस की जो NBFC हैं, जो रियल थी, जो सही थी, उन्होंने तो इस नियम को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया और कुछ ऐसी फर्जी एंड फेक NBFC थी जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया और कुछ ऐसी NBFC थी जो कि प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड थी RBI से और वो प्रॉपर तरीके से इनको फॉलो नहीं कर पाई। बट गाइज, आपको पता होगा RBI लगातार नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी करता रहता है बट ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं इनको प्रॉपर तरीके से अब तक भी बैन नहीं किया जा रहा है। तो मेरा सवाल RBI से है, लगातार लोग इस तरीके से परेशान हैं, पिछले 2019 से ये सारा मामला चल रहा है और 2020 से लोग लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो इतना वक्त आपको क्यों लग रहा है? आखिर ऐसी कौन सी तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो? क्यों ऐसी एप्लीकेशंस के जो लाइसेंस हैं जो कि रजिस्टर्ड होने के बाद भी गलत कार्य करते हैं, क्यों इनको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करते हो? अगर आप बात करेंगे रजिस्टर्ड एप्लीकेशन की तो उनमें से एक एप्लीकेशन है कैशबीन। कैशबीन को आप भली भांति जानते होंगे, EDD के द्वारा भी इस कंपनी के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो PC फाइनेंशियल है इनकी, उन पर छापा लगाया गया था और कुछ इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई थी। लेकिन गाइज, आपको पता होगा ये जो कैशबीन है, कैशबीन नाम की एप्लीकेशन भी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर चुकी है, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अवैध वसूली कर चुकी है। तो मेरा सवाल है RBI से, क्या कैशबीन एप्लीकेशन ने आप लोगों को भी रिश्वत दी है जो आप ऐसी एप्लीकेशन पर एक्शन नहीं लेते हैं? मैं कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि कैशबीन के एक दल्ले प्रशांत के द्वारा मुझे भी कॉल करके कहा गया कि आप आवाज़ उठाना बंद कीजिए और हमारे साथ में काम कीजिए, बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। और उसके बाद में जब मैंने इनको प्रॉपर तरीके से एक्सपोज कर दिया कैशबीन वालों को और मैंने इनकार कर दिया इनकी बातों में आने से, तो मुझे इस प्रकार की धमकी मिली कैशबीन के द्वारा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को भी इस प्रकार की रिश्वत दी है? जस्ट मेरा क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है सवाल करने का और मैं भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कर रहा हूँ, तो कृपया करके आंसर देने का प्रयास करें अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर तक ये वीडियो जाती है RBI के। तो गाइज, अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। अभी रिसेंटली 18 तारीख को एक RBI का नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि RBI के द्वारा 13 जनवरी 2021 में एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया था और उस ग्रुप के द्वारा प्रॉपर तरीके से देखा गया किस तरीके से ये एप्लीकेशन वाले गलत कार्य करते हैं। तो उस ग्रुप ने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि क्या क्या खामियां हैं। अगर आप उस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने उस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैं बर्बरता से आपको बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगी और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप खुद स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगी। फिर भी मैं आपको एक दो बात बता देता हूँ। देखिए, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इन एप्लीकेशन के ऊपर एक कानून बनना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से गलत कर रही हैं। आपको पता होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए और इनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किस सर्वर पर ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब लेते हैं। इस प्रकार के कुछ उसमें पॉइंट्स हैं जो कि आप स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत से लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है RBI बिग अपडेट, फर्जी लोन एप्लीकेशन बंद, 100% बंद। तो गाइज, RBI तो नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशन रिलीज करता है, कौन सी एप्लीकेशन अब तक बंद हो गई? कृपया करके कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और गाइज, मैं आखिर वीडियो तो इस मैटर पे नहीं बनाना चाहता था लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ गई क्योंकि देखा नहीं जाता इस तरीके की बातें और आखिर क्या नहीं कर सकते। आपको पता होगा चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट ने एक झटके में बंद कर दी, एक झटके में। लेकिन ये क्यों नहीं बंद की जा रही? क्या इनसे फंडिंग आ रही है?
गाइस पॉइंट वाली बात है, आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।